अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दिकार भी लोगा। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए ना, वो है वीगो गाड़ी, वीगो डाला वीगो। अच्छा, इसके अंदर एक पाकिस्तानी भी आता है और एक ये थाईलैंड भी आता है, तो ये वीगो 6 में लेकिन है थाईलैंड वाला वेरियंट। अच्छा, और ये 3000 CC जो है ना गाड़ी होती है। दूसरा ये कि 2012 मॉडल है और 16 की जो है ना रजिस्ट्रेशन है ये गाड़ी, यानी कि 12 और 16 मॉडल है, 16 का नंबर लगा हुआ है गाड़ी। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास है, और ये एक्सप्रेस का हुड लगा हुआ है ऊपर सामान वामान रखने के लिए। वैसे शो के लिए भी अच्छा होता है, इससे गाड़ी ज़रा और अच्छा लुक देती है। दूसरा ये कि इसके अगर मैं टायरों की बात करूँ, गाड़ी में आपको अंदर से भी दिखाता हूँ बाहर से भी दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि अभी मैंने आपको बताया कि 12 मॉडल है, 16 का नंबर है, 3000 CC गाड़ी है। दूसरा ये कि इसका जो जो कीमत है ना, कीमत जो इसकी है 58 लाख रुपए में जो है गाड़ी मालिक जो है ना इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी कमी पेशी होगी वो भी आपसे इंशाल्लाह बात कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, मालिक का भी नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप गाड़ी जो है आराम से विजिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके टायरों की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं इसके टायर माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंडीशन में है। अलॉयज जो इसके लगे हुए हैं वो बहुत वेल कंडीशन के अंदर है। अच्छा, ये साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप फेंडर आपको साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। इसके गेट की बात कर लेते हैं तो ये साइड पूरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। दूसरा ये कि हम आपको इसके डोरियाँ भी चेक कराते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये साइड बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। और अभी अंदर से भी आपको गाड़ी जो है विज़िट कराते हैं। अच्छा, गाड़ी जो है बाहर से पूरी जेन्युइन है और अंदर से भी जाहिर सी बात है जेन्युइन ही होगी जब बाहर से जेन्युइन है। तो ये टायरों की कंडीशन है इसकी जो मैंने अभी आपको दिखाई। दूसरा ये कि इसकी दरवाज़ों की जो डोरियाँ हैं उसकी बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसकी मैं आपको डोरियाँ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है और पूरी हैं डोरियाँ, मतलब ऐसा नहीं है कहीं से गाड़ी लगी हुई है बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि इसकी ये पीछे वाले दरवाजे की भी डोरियाँ आपको चेक कराते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल डोरियाँ पूरी हैं। अच्छा, गाड़ी अगर इंटीरियर की बात करें वो साइड भी आपको डोरियाँ चेक कराता हूँ, इंटीरियर दिखा देता हूँ पीछे से किस तरीके की है गाड़ी। तो ये आप देख सकते हैं दरवाजे के जो पर्दे हैं वो बिल्कुल वेल कंडीशन में हैं, अंदर से जो गाड़ी मैट वगैरह बिछे हुए बहुत अच्छे वाले हैं, और देख सकते हैं आप कुशन वगैरह इसके अच्छी हालत में है। गाड़ी आपको वहाँ से भी विजिट कराते हैं। अच्छा, दरवाज़ों की जो आवाज़ है ओरिजिनल वाला साउंड दे रही है। दूसरा ये कि ये साइड आपको दिखाते चलें, ये आप देख सकते हैं साइड बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसकी भी डोरियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ दरवाज़ों की, ये साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है, किसी किस्म का कोई निशान वगैरह नहीं है गाड़ी पर। गाड़ी के पर्दे वगैरह देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। अच्छा, डोरियों की अगर इसकी बात करूं तो ये आप देख सकते हैं डोरियाँ बिल्कुल इसकी जेन्युइन हालत पर हैं, कहीं से कुछ बना हुआ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन हालत पर हैं। ये साइड भी आप देख सकते हैं इसकी झड़पे वगैरह साफ़ सुथरी हालत के अंदर है। बाकी एक्स्ट्रा काम कराया हुआ है पार्टी ने, ये सब प्लेटें वगैरह आती नहीं, लगी हुई लगवाई हुई है इन्होंने, इससे ज़रा सेफ़ रहती है चीज़, निशान ज़्यादा नहीं आते। गाड़ी का इंजन रूम भी आपको इंशाल्लाह अभी दिखाते हैं। एक ये दरवाज़ा रह गया है, पहले इसकी भी मैं आपको डोरियाँ दिखाऊं, बिल्कुल जेन्युइन है डोरियाँ, कोई चीज़ बनी भी नहीं है, गाड़ी जेन्युइन हालत पर है। अच्छा, इसके इंटीरियर में आ जाते हैं, इंटीरियर की बात मैं अभी कर रहा था आपसे। इंटीरियर माशाल्लाह से गाड़ी का बहुत अच्छा है और साफ़ सुथरी हालत में गाड़ी मौजूद है, आप देख सकते हैं इसका मल्टी मीडिया सिस्टम है, बाकी ये इसका गियर अपना AC वगैरह का सिस्टम दिया हुआ है, स्टीयरिंग। गाड़ी के बारे में मैंने अभी आपको बताया 3000 CC में जो है गाड़ी आती है। गाड़ी के अगर एयरबैग्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स के अखबार से तो इसके अंदर
गाड़ी के एयर बैग्स वगैरह इसके ओके कंडीशन में, कोई खुला हुआ नहीं है, बना हुआ नहीं है, जो ओरिजिनल हालत पर है बिल्कुल वैसी ही है इसका एयर बैग्स वगैरह। बाकी इसके इंजन रूम भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और ऑटो गाड़ी है ये, 4x4 इसके अंदर मौजूद होता है अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए कहीं जाते हैं लॉन्ग रूट पे, पाकिस्तान टूर वगैरह पे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर ये गाड़ी आपको इंशाल्लाह तंग नहीं करेगी और माशाल्लाह से भरपूर साथ देगी। दूसरा ये है कि आपको इसका इंजन रूम दिखाते हैं। इंजन रूम दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह अंदर से, ये गाड़ी का इंजन रूम कैसा है। जब बोनट की अगर डोरियों की बात करूं तो बोनट की भी डोरियां आप देख सकते हैं। साफ सुथरी हालत में गाड़ी, बाकी साइडें देख सकते हैं इसकी, साइडें इसकी बिल्कुल साफ है। आगे नोज पट्टी की अगर बात करें तो नोज पट्टी आप देख सकते हैं इसकी साफ सुथरी हालत में। बाकी ये साइड भी अगर आपको दिखाऊं तो साइड भी साफ है, बाकी अंदर से गाड़ी साफ सुथरी है। और वीगो चैम मैंने बताया इसके अंदर, लेकिन ये थाईलैंड वाला वेरियंट है और 3000 cc गाड़ी है, 58 लाख रुपये जो इसकी गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा गाड़ी की छत जो है दिखाता चलूँ, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है गुड, इसका अगर ये आप निकलवाना चाहते हैं तो ये निकल भी जाएगा। वैसे ये शो के लिए लगा हुआ है सिर्फ, अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो सामान रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थी आज की वो गाड़ी जिसका मैंने आज आपको रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। आखिर में हमेशा की तरह बस इतना कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। और किसी भी गाड़ी की आपको मालूम चाहिए तो आप लाजमी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके आप इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे हम आपका। और जो है हमारा काम है गाड़ियों का, तो उसी से रिलेटेड आपको जो है वीडियोज़ बना के देते हैं, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। और दूसरा ये कि सिर्फ यही गाड़ी नहीं, कोई सी भी गाड़ी अगर आपको चाहिए मार्केट से, आपको रेट चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you